वर्कर आप देख रहे हैं वर्क टिप्स यूट्यूब चैनल। आज के स्टूडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि यार अप वर्क क्या है। लोग आपने अक्सर नाम सुना होगा कि लोग यार अप वर्क से ऑनलाइन अर्न कर रहे हैं। यार मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि अप वर्क क्या है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके साथ ये समझाऊँ या आपको सिखाऊँ कि यार आप अप वर्क से कैसे अर्निंग करते हैं, यार उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर किसी ने ये पूछना है कि कैसे, अगर किसी ने ये समझना है, वाकई समझना कि यार अप वर्क से हम अर्न कैसे करते हैं, तरीका क्या है, यार आप मुझे कमेंट कर दें इसी वीडियो के नीचे। मैं आपको एक अलग से, अगर 100 से ऊपर कमेंट्स चले जाते हैं तो मैं एक इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं, कोई 2-4 कमेंट्स आते हैं यार, फिर वीडियो बनाने का फायदा नहीं है। फिर मैं एक अलग से कह लें कि उन्हें कमेंट में ही आंसर कर दूंगा अगर उन्हें मदद समझ नहीं आती। अब मैंने अबाउट में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यार हम अपवर्क से कैसे अर्निंग कर सकते हैं, उसके अलावा भी आप मुझसे कुछ भी वहाँ जाकर पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप अबाउट में नंबर दिया, वहाँ से पूछ सकते हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं यार कि अपवर्क क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आए ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड या टेक के रिलेटेड, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की। क्या अपवर्क है? यार अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। मैं आपको उर्दू जुबान में, आसान जुबान में समझाता हूँ। यार आपने पहले भी काफी वीडियो देखी होंगी, यार वो बताते ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो बताते गलत, लेकिन यार काफी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। यार जो बंदा सुन रहा था समझ नहीं आ रही होती कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, तो मैं आपको आसान जुबान में बता देता हूँ कि यार अपवर्क एक्चुअली है क्या। यार जो अपवर्क पे काम करते हैं ना, यार वो बेसिकली एक वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट बनाने के बाद उस वेबसाइट पे काम करते हैं। वेबसाइट वो किसी भी कंटेंट पे बना सकते हैं। वो वेबसाइट बनाने के बाद उसके ऊपर कंटेंट अपलोड करना शुरू करते हैं। कंटेंट अपलोड करने के बाद वो किसी भी किस्म का कंटेंट हो सकता है। आपने उससे वेबसाइट बनाने से पहले आपको डोमेन खरीदनी पड़ती है, डोमेन बाय करनी पड़ती है वेबसाइट की। वो मंथली चार्जेस होते हैं $20, $22, $25 आपने पर मंथ देने होते हैं गूगल वालों को, जो आपने डोमेन खरीद ली। जैसे मेरा अबूबकर टिप्स यूट्यूब चैनल है, अगर मैंने abubakartips.com डोमेन खरीदनी है ना, मुझे इसके लिए गूगल को पे करना पड़ेगा, ताकि और कोई बंदा abubakartips.com डोमेन, ये अपनी जो वेबसाइट का नाम है, ये ना रखे। तो इसलिए पहले पे करना पड़ता है। जैसे हमें डोमेन मिल जाती है, हमें अपवर्क पर लॉगिन मिल जाता है। अपवर्क के ऊपर जाके आपने अपना पूरा वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो तैयार करना, तो बाद उसके अंदर कोई भी आप ब्लॉग, ज्यादा जो इजी वे है ऑनलाइन अर्न करने का, जिसमें एक मेहनत कम लगती है, वो ब्लॉगिंग। आपने उसके अंदर ब्लॉग्स लिखने होते हैं। ब्लॉग्स का मतलब क्या है यार? ब्लॉग्स का मतलब सिर्फ इतना ही है कि यार आपने कोई भी, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपने अक्सर वेबसाइट पे जाए तो उसके अंदर सिर्फ लिखा आ रहा होता है, आपको उन्होंने टाइप करके समझाया होता है। यार अगर आप वैसे ही गूगल पे चले जाएं, वहां जाकर वॉचेस के अक्सर वॉच ही लिख दें, वॉच, जैसे आप वॉच लिखेंगे आपके पास काफी वेबसाइट आएंगे, उनके ऊपर क्लिक करें, उनके वॉचेस, वॉच की डिटेल्स आ रही होती, वो सारा ब्लॉग होता है, उन्होंने ब्लॉग लिखा होता है। आपने वही चीज जो है ना, वो अपवर्क पे ही काम कर रहे होते हैं, जो उन्होंने ब्लॉग, वॉच पे ब्लॉग लिखा हो उन्होंने अपवर्क के थ्रू ही बनाया हुआ है। इसलिए लोग ये ऐसे, जब आप ब्लॉग अपलोड करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा आप ब्लॉग अपलोड करते हैं, आपके वहां पे व्यूज आते हैं, तो उससे आप अपना जो ब्लॉग है, अपनी वेबसाइट है, उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो जाती है, मोनेटाइज होने के बाद जैसे आप यूट्यूब से अर्न कर सकते हैं, वैसे आप वेबसाइट से भी अर्न कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब से आपकी जो अर्निंग है वो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में आती है, वैसे ही आपकी वेबसाइट की जो अर्निंग है वो भी गूगल एडसेंस अकाउंट में आएगी। जैसे आप मोनेटाइज करेंगे, आपने अपना जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है उसके लिए अप्लाई कर देना। जैसे आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, आपका अकाउंट, जब आपका जो, अगर आपकी वेबसाइट मोनेटाइज होगी होगी, तो आपका गूगल एडसेंस है वो भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आपकी जो अर्निंग है वो गूगल एडसेंस अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।